YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। नमस्कार दर्शकों, हम अभी पहुंचे हैं बारालोटा वार्ड नंबर 4 में और हमारे साथ आज बैठे हैं वार्ड नंबर 4 के वार्ड परिषद के प्रत्याशी श्याम नारायण भुइयां जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि क्या किस समस्या को देखते ये चुनावी मैदान में आने का काम किया। और पहले बता दें दर्शकों, ये पहले पंचायत क्षेत्र था, क्या पंचायत क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है या नहीं, अब हम इनसे जानेंगे। बताइए क्या पहले पंचायत क्षेत्र में भी जो मैं 4 नंबर वार्ड में घूमा हूँ सभी जगह, आपका हनुमान नगर हो गया, गुरियाई टोला हो गया, बैरिया हो गया, अभी कल मैं घूम रहे थे चमड़पट्टी में, एक वृद्धा के यहाँ 70 साल उनका एज है, अभी तक उनका वृद्धा पेंशन नहीं बना है। एक विधवा मिली, बोला कि मैं आज मैंने 5 साल 4 साल से दौड़ रहा हूँ, विधवा पेंशन हमको नहीं मिला। और क्षेत्र में जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम लोग के पूरा मतलब पूर्व जो मुखिया है उनका सिर्फ आलोचना होता है कि घर पर आते हैं हाथ जोड़ते हैं और जी जाते हैं, फिर काम कुछ नहीं होती है। तो वहाँ बहुत सा अभी त्रुटि है, वार्ड नंबर 4 में देखने को मिल रहा है वहाँ रोड की स्थिति सही नहीं है। अभी देख रहे हैं बहुत हमारे समाज के जहाँ तक विशेष सब देखे हैं कि भुइयां के घर में आज भी प्लांट भी लगा हुआ है, पर सरकार की इतना जो प्रधानमंत्री आवास योजना जा रही है अभी किसको मिल रहा है, वो सब देखते हुए। और अभी गए हम गुड़िया टोला है जहाँ पे एक बूढ़ा के देखे, अभी उसका बेटा बेटी कोई नहीं है, गए तो बोला कि बाबू मेरा हाथ टूटा हुआ है, तो उसको देख के एक्सरे मंगाया, बोला ठीक है गार्जियन कल एक्सरे बैठा दिए, हम जाकर वो चेक करा लेंगे हुआ क्या है। तो अभी जो आदमी को जो कोई देखने वाला उसको नहीं है, वार्ड में आपका गुड़िया पंचायत पड़ेगा, तब उत्तरी बारलोटा पंचायत पड़ता था, पूर्व मुखिया वहाँ के आपका राजू भुइयां जी हुए, पर वहाँ स्थिति पत्थर से पत्थर बना हुआ, हरजन पुल भी विकास नहीं है, विकास कुछ नहीं है, ये तो देखने का चीज़ है, हम क्या आलोचना करेंगे, देखने का जनता की चीज़ है, चाहे और अधिकारी जाते हैं तो क्या क्या आप जिन लोगों से मिले उनको क्या आप आश्वासन दीजिए? आश्वासन अभी हम मैं कुछ नहीं, जब अगर जीतते हैं तो हम आगे के लिए मान लें कि जो सरकार में सिस्टम है वो सिस्टम में काम करेंगे, जिसको मिलना चाहिए हक मिलता नहीं है, बिचौलिया से सारा काम सरकार की होती है, जो पंचायत में देखने को मिल रहा है। मतलब अगर जनता आपको विजय बनाती है तो ये सब काम करने के लिए आप, हम इसके लिए तत्पर रहेंगे, अभी जनता के जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमको पूरा प्यार स्नेह लोग दे रहे हैं, भारी मतलब बहुमत से लोग हमको साथ जुट रहे हैं, कोई बात सुनने के लिए कि देखिए अभी हम गए जिले कॉलेज के जस्ट एक स्टेडियम है, वहाँ के लोग बोले कि भैया देखिए यहाँ रोड आ रहा था, तो यहाँ के जो प्रत्याशी थे पूर्व में जुटे वो रोड आने के लिए बनने नहीं दे रहे थे, गड्ढा खनवा दे रहे थे, हमको बहुत सारे परेशानी हुआ है लोगों को। जो नगर निगम जिसके लिए बना है अभी तो लगता है कि इसका स्थिति हम जाने के जंगल से भी बैवा है, जंगल तो अच्छा है, पंचायत क्षेत्र में ऐसा कुछ भी विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं विकास नहीं जा रहा दिखने में, आप जाकर देख सकते हैं अपने सिटी न्यूज वाले देख सकते हो उसकी स्थिति क्या है, वो जो जानवर का भी स्थिति है ना, हमारे हरजन को लग जाकर देखिए, बोलता है स्वस्थ भारत बनाते हैं बनाना है, प्रधानमंत्री जी का मतलब पूरा अभी चल रहा है योजना चल रहा है, कुछ नहीं सब मिलता है। तो सबसे हर सवाल की वृद्धा पेंशन में पैसा चाहिए, इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास में पैसा चाहिए, अरे भैया पैसा क्यों चाहिए आपको, आप चुनाव के प्रतिनिधि बन के गए जनता काम करने के लिए, ये भ्रष्टाचार बोलते हैं जब खत्म कर दें, भ्रष्टाचार तो हर मोड़ पर लगा हुआ है, इंदिरा आवास से पैसा लीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास में लीजिएगा, आपका पेंशन में लीजिएगा, विधवा पेंशन में लीजिएगा, तो किस लिए चुना गए हैं, जनता से क्या फायदा चुनने से, वैसा प्रतिनिधि को हर बोर्ड पर पैसा चाहिए, हर कहता है कि भ्रष्टाचार हमको खत्म करना, तो भ्रष्टाचार जब भी अगर कुछ तो कमी है जनता में भी, जनता भी हमको देखने को मिलता है, चूंकि सरकार के इतना पास पैसा नहीं है कि मेरा देश को एक बार डेवलपमेंट मिला देगा, चाहे किसी का आवास योजना दे देगा, हाँ पेंशन विधा पेंशन सिस्टम है कि 60 के बाद उसको देना तो मिल सकती है, पर आवास तो नहीं दे सकती है, रोड भी नहीं बना सकती पूरा देश में, उतना बेचना जो सरकार के फंड आता है जो गोदनू आता है साल में उसी के अनुसार बजट बढ़ा उसी अनुसार काम करता है, हम भी अगर आप छूट के आते हैं
इस चीज को हम करेंगे जो वार्ड नंबर चार में सारी समस्या को समझ। हाँ, वार्ड नंबर चार में जो भी घुसखोरी है उसको तो मैं चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अगर कोई भी हो उसको अगर हम आते हैं तो लोग तो जेल भेटवाना काम करेंगे, क्योंकि हम राष्ट्रीय ग्लोरी प्रदूषण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आज भी है नजर है चतरा से मगर पालिया हो गया नजर छत्र।